अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सच न्यूज़ की टीम आई है मलकपेट वाहिद नगर गली नंबर 3, जहां पर एक कैंसर पेशेंट है। पिछले कई दिन से जो है हमें लगातार फ़ोन आ रहा था कि कैंसर पेशेंट सीरियस है और इनको इलाज की बहुत सख्त ज़रूरत है। खैर बहरहाल आज जो है सच न्यूज़ की टीम यहां पर आई है। ये उनका घर है, ये उनका मकान है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो है कैंसर पेशेंट है जिनका नाम सलमान ख़ान है, जिनकी अहलिया भी यहाँ पर मौजूद है। और सलमान ख़ान को 3 मासूम बच्चे भी है जो इस वक्त अपनी नानी के पास है, नानी के पास रह रहे हैं क्योंकि इनके वालिद की तबीयत काफ़ी सीरियस है। तो बहरहाल आइए नाज़रीन, हम आपको मिलाते हैं हमारे सलमान ख़ान की अहलिया से। जी बहन, आपका नाम क्या है? मोहिना बेगम। मोहिना बेगम जी, आपके शोहर क्या काम किया करते थे? ऑटो चलाते थे। ऑटो चलाते थे, अच्छा। तो ये आपका मकान किराए का है, आपका जाती है? नहीं, किराए का। किराए का मकान। तो बहरहाल आइए नाज़रीन, हम आपको दिखा, वक्त सीरियस कंडीशन में है और इनके पास जो है इलाज के लिए पैसे भी नहीं है, जिसके लिए हमको फ़ोन किया गया था। आपकी मुलाकात कराते हैं, सलमान खान की बहन भी यहाँ पर है। कितने साल से आपकी तबीयत ख़राब है? 1 साल से तबीयत ख़राब है इनकी। अब जो ट्रीटमेंट चल रहा, अब डॉक्टर साहब हाथ छोड़ दिया उनका। अब तो बहुत परेशानी में है, अब तो कीड़े भी झड़ रहे हैं उनको, वो तकलीफ़ में है। बल्कि हम लोग आज काम से गए थे दरबा है तो लेट हो गए, आज तक दाखने को लिख जाने का था उनको, आज तक देर भी हो गई उनको बहुत। तो आइए, सलमान खान के वालदा भी यहाँ पर है, सलमान खान के वालदा से भी हम पूछते हैं। इधर आइए, हम आप, क्या नाम है मैम आपका? तैयबा बेगम। कितने बेटे हैं आप? मेरे कुछ 6 बेटे हैं जी। 6 बेटे में 4 बेटों का इंतकाल होगा। अच्छा, हाँ, ये दूसरा बेटा ही है। अच्छा, एक साल इनके, एक साल, हाँ, एक बेटे का इंतकाल हो गया, एक साल हुआ। फिर इनका एक ऐसा पढ़ के आके। अच्छा। तो बहरहाल आइए नाज़रीन, जो है सलमान खान की अहलिया यहाँ पर है जो इस वक्त जो है इनके साथ में है और इनको कुछ जो है इमदाद की ज़रूरत है। इनका आपका फ़ोन नंबर बोलेंगे, इनके अहलिया का फ़ोन नंबर भी आपको देंगे और साथ ही साथ इनका अकाउंट नंबर भी है, वो भी हम आपको देंगे। आपका फ़ोन नंबर बताइए सबसे पहले। 7032965650। 7032965650 जी नाज़रीन, ये जो है इनका नंबर है। जो कोई भी हजरात इमदाद करना चाहते हैं, गरीब की मदद करना चाहते हैं, वो बड़े इत्मीनान से उनकी मदद कर सकते हैं। और सच न्यूज़ से भी जो हो सका, सच न्यूज़ भी जो है इनकी मदद करेगी इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो। और जो है इनका अकाउंट नंबर भी है, आप अपना अकाउंट नंबर बताएंगे। 8622। सबसे पहले जो है आप बैंक का नाम बताइए, कौन सी बैंक में अकाउंट है? बैंक ऑफ इंडिया जी। अकाउंट नंबर है 8627182100308। 308। फिर से एक बार बोलिए बड़ी आवाज़ से। 8627182100308। किसके नाम पे अकाउंट है ये? मोहिना बेगम। आपके नाम पे ही है? आईएफसी कोड बोलिए आप। आईएफसी कोड BKIDO00068627। फिर से एक बार देखिए, बोलिए उधर देखिए, बोलिए आप। BKIDO00082627। ब्रांच कौन सा? मलकपेट ब्रांच। फिर से एक बार बैंक का नाम बोलिए। बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंट नंबर बोलिए। 8627182100308। आईएफसी कोड बोलिए। BKIDO00867। ये एफसी कोड था इनका और ये नाम अकाउंट नंबर, जिसके नाम पे उनका नाम मोहिना बेगम है जी।
तो बहरहाल नाज़रीन, जो कहीं भी हजरात इनको इमदाद करना चाहते हैं वो इमदाद कर सकते हैं। एक गरीब परिवार है, कैंसर पेशेंट है, कैंसर आखिरी स्टेज पे है। अब दुआओं की गुजारिश भी है, आप सब दुआएं भी कीजिए। जो हजरात इमदाद नहीं कर सकते हैं वो दुआ कर सकते हैं। तो बहरहाल आज खुसूसी जो है इनसे मुलाकात करने के लिए हम यहाँ पर आए थे। जिस किसी से भी जो भी हो सकता है वो इमदाद कर सकते हैं। आप ख़ुद जो है पर्सनल आकर यहाँ पर तहकीकात कर इनसे बात कर इनके वालदा से बात कर इनके अहलिया से बात कर इनकी बहन से बात कर सबसे बात कर आप जो है एक इत्मीनान होने के बाद ही आप इमदाद भी कर सकते हैं। तो बहरहाल दुआओं की गुजारिश है। इनकी माँ के जो है पहले से ही 4 बेटों का इंतकाल हो चुका है, अब सिर्फ 2 बेटे हैं। 2 में से जो है एक बेटा इस वक्त सीरियस कंडीशन में है। खैर, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जो है अच्छी से अच्छी सेहत दे। तो बहरहाल हम भी आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो जो है आपको कुछ ना कुछ इमदाद मिल जाएगी। आप लोगों से कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जी हाँ, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का किराया वो निकलने से मुश्किल हो रही है। अगर आपसे जो भी मदद हुई कीजिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है। अगर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप भी बोलेंगे अम्मा? नहीं, अभी कुछ भी नहीं, बोल देना। ठीक है नाज़रीन, तो जो है आज हम यहाँ का विज़िट किए हैं। जो कोई भी हजरात इमदाद करना चाहते हैं तो आप इमदाद भी कर सकते हैं। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम, ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करें। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करें और देख काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल, बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें।